नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, पिछली क्लास में बोला था कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं या जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा संदेह अलंकार के ऊपर, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे लिखे हुए देख रहे होंगे। आशा है सभी लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। संदेह अलंकार देखिए यहाँ लिखा हुआ है। संदेह शब्द ऐसा है कि आप पढ़कर ही समझ गए होंगे, किसी चीज़ पे संदेह करना, शक जताना अपना, ठीक है। क्या है आइए देखते हैं परिभाषा। काव्य में, काव्य समझते हैं ना, कविता में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु देखकर संशय बना रहे, क्या बना रहे, संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होते हैं। आप बाजार घूमने जा रहे हैं, और आपको लगा कि हमारे आगे जो लड़का चल रहा है वो अमित है, तो आपने अपने पिताजी से या अपनी माताजी से या जिसके भी साथ आप घूमने गए हैं, आपने कहा अरे देखो क्या वो अमित है, लग तो रहा है, कदकाठी तो वैसे ही है ना, और आप उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका संशय है, आपको शक है कि वो अमित जैसा दिखता है। समझ में आ गई बात आपको मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई वस्तु आप घर में घुसे, घर का लॉक खुला, एकदम से आपका पैर पड़ा रस्सी पर और आप जल्दी से डर गए, अरे सांप, ठीक है, लेकिन नहीं, वो आपका क्या है, संदेह है। अरे सांप जैसा तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है ना, रस्सी है, आप उसे चेक नहीं कर पाए हैं अभी और दूर से ही आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, अरे यार ये पैर पड़ गया, क्या था ये मोटा सा, हाँ एकदम से लगा मेरे को पैर में, कहीं सांप तो नहीं आ गया कमरे में, सांप तो नहीं आ गया घर में, है ना। तो ये क्या है, संदेह है। समझ में आ गया, क्लियर नहीं है आप उसके लिए। तो देखिए क्या कह रहा है कवि, पहला उदाहरण देखते हैं। यह है सरस ओस की बूंदें, ओस जानते हैं ना, अब समय आ गया है ओस पड़ा करेगी सुबह सुबह जाड़ों में, है ना, हरी हरी घास पे घूमिएगा नंगे पैर, बड़ा आनंद आएगा, अच्छा होता है सेहत के लिए भी, हरी हरी घास पर इस पे ओस पड़ी हो उस पे घूमना। ये है सरस ओस की बूंदें, ये जो पड़ी हुई हैं घास पर, धरती पर पड़ी हुई हैं, ये क्या है, सरस मतलब क्या होता है, खुशी देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, ठीक है, क्या है, आनंद प्रदान करने वाली ओस की बूंदे हैं। या है मंजुल मोती, या फिर क्या है, सुंदर सुंदर मोती हैं। कभी नज़ारा देखिएगा, आप सुबह सुबह घूमने जाएं, ओस पड़ी हो घास पे और आप दूर से अगर उसे देखेंगे तो वो ऐसे चमकती है ओस जैसे मोती चमक रहे हों, तो दूर से देखने पर संदेह हो रहा है, ये हैं सरस ओस की बूंदे या हैं मंजुल मोती। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, जब आप घूमने निकलते हैं, मान लीजिए दिल्ली हाईवे पर जा रहे हैं, या मतलब हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो दिल्ली हाईवे पे आपने देखा होगा या किसी भी हाईवे पर आपने देखा होगा कि जब गाड़ी से आप अपनी फोर व्हीलर में बैठ के जा रहे होते हैं और दूर से आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे दूर कहीं पे पानी सा है, सड़क के ऊपर थोड़ा सा पानी है, वो चमक मार रहा होता है, लेकिन जब पास पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता, रोड होती है जो धूप से तप रही होती है ना। तो ये संदेह होता है आपको दूर से, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। पहला उदाहरण समझ में आ गया होगा का? दूसरा लेते हैं हम लोग। वन देवी समझ तो वह हो, वन देवी समझूं, देखिएगा अंदाजा लगेगा कहां की बात हो रही है। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, वन देवी समझूं तो वह होती भोली भाली, तुम ही बताओ अथा कौन तुमरे रमणी रहस्य वाली। ये वहां के संवाद की पंक्तियां हैं जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी को शादी के लिए प्रस्ताव कर देने गई या लेकर गई खुद ही, या शादी के लिए उन्हें प्रपोज करने गई, ठीक है। जब लक्ष्मण जी को शूर्पणखा प्रपोज करने जाती हैं, पहले राम के पास गई थी, राम ने तो मना कर दिया, बोले भाई मैं शादीशुदा आदमी, मेरे तो भैया चक्कर में पड़ूंगा, तो अपनी बीवी साथ आया हूँ मैं, है ना, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, वहाँ मेरा भाई है लक्ष्मण,
आपका जो भी प्रस्ताव है, जो भी बात है, या जो भी बात आप करना चाहती हैं वो उनसे कर लीजिए। सुशील सर वो आप उनसे कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का दिक्कत था इसलिए आवाज़ लगाई थी। तो जो है वन देवी समझूं, लक्ष्मण कह रहे हैं शूर्पणखा से, वन देवी समझूं, अगर मैं आपको वन की देवी समझूं तो वह होती भोली भाली। तो वन की जो देवी है, इस जंगल की जो देवी है, वो तो भोली भाली होती है। तुम ही बताओ अतः, अब तुम ही बताओ मुझे, मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं, तुम ही बताओ मुझे अतः कौन तुम रे, तुम कौन हो रमणी रहस्य वाली, ठीक है, रमणी रहस्य वाली, सुंदर रहस्य वाली। जब शूर्पणखा आई थी लक्ष्मण जी के सामने, तब ऐसा तो नहीं था कि जो है अपने राक्षसी रूप में आ गई और आके कह दिया हो अरे लक्ष्मण मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं ना, सुंदर रूप लेकर ही लक्ष्मण के सामने आई होगी। तो लक्ष्मण जी ने वहां पर उनसे यही बात कही थी, क्या कही थी, वन देवी समझूं तो वह होती भोली भाली, अगर मैं तुम्हें वन देवी समझूं तो वन देवी तो बहुत भोली भाली होती है, ठीक है। तुम ही बताओ अतः, अब मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं, तुम ही बताओ अतः कौन तुम रे, कौन हो तुम रमणी रहस्य वाली, यानी कि रमणी मतलब सुंदर तो हो लेकिन रहस्यों से भरी हुई हो, और जो व्यक्ति रहस्यों से भरा हुआ होता है उस पर संदेह होता है। आपने आसपास काफ़ी बार देखा होगा, अगर आपको लगे यार ये व्यक्ति बड़ा रहस्यमय ही है, पता नहीं किस टाइम सुबह ऑफिस जाता है, किस टाइम आ जाता है ना, पता नहीं क्या ये करता रहता है, दिन भर इसका घर बंद रहता है, ऐसे बहुत से विचार आते हैं ना मन में, या आप नोटिस करते हैं ना, तो ये रहस्यमय व्यक्ति जो है शूर्पणखा थी जो लक्ष्मण जी के पास आ गई थी, तो वहां पे इन पंक्तियों में संदेह अलंकार पता चलता है, समझ में आ गया होगा। एक बात मैं यहां बताता चलूं, दोनों अलंकार अभी भी आपके पास लिखे हुए हैं, संदेह अलंकार की पहचान आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें या तो आ रहा होता है आ रहा होता है, ठीक है, या आ रहा होता है की है आ रहा होता है, ये आ रहा होता है कि, ये ट्रिक है, अगर ये आ रहा है तो समझ जाइए वहां पर संधि अलंकार होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत ही फेमस है एग्जांपल, बहुत ही प्रसिद्ध जो है पंक्तियां हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी, सभी शिक्षक बताते भी हैं उसको, मैं भी बता रहा हूं, और बहुत आसान भी है, और इतना आसान है कि जो है पहले मतलब जब भी किसी से पूछो यार संदेह अलंकार का एक उदाहरण दे दो, तो जल्दी से व्यक्ति उसी को ही बोल देता है, अगर उसने अपने स्कूल टाइम में या बाद में ध्यान से पढ़ा होता है। क्या है देख लीजिए, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है कि, नारी बिच सारी है, नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि, नारी बिच सारी है कि, सारी की ही नारी है कि, सारी की ही नारी है कि, साड़ी की ही नारी है कि, नारी ही की साड़ी है, ठीक है, कि नारी की ही साड़ी है। ये चार पंक्तियां मैंने आपके सामने लिखी, क्या है फिर से पढ़ देता हूं एक बार, सारी बिच्चे नारी है कि, नारी बिच्चे साड़ी है कि, साड़ी की ही नारी है कि, नारी की ही साड़ी है। ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लग रहा होगा, एक लय एक धुन बन रही है, सारी बिच्चे नारी है कि, नारी बिच्चे सारी है, इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो। लेकिन ये कहाँ का संवाद है, क्या संवाद है, ये कहाँ की बात हो रही है, रसखान ने लिखा है इसको, कवि रसखान उन्होंने लिखा है इसको, और ये दृश्य कहाँ का है मैं आपको बता दूँ, महाभारत पवित्र ग्रंथ हस्तिनापुर का सीन है ये, हस्तिनापुर में किस समय का ये सीन है, जब पांचों पांडव
जुआ खेलते समय अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पे लगा देते हैं और हार जाते हैं, ठीक है। लूडो दिखाया गया है, शकुनी मामा लूडो खेल रहे होते हैं, है ना, पासा फेंकते हैं, लूडो समझ लीजिए, आज के समय में लूडो कह सकता हूँ उसको मैं। लूडो पे लोग जुआ खेलते ही हैं, आज भी खेलते हैं और उस समय भी खेल रहे होंगे। तो पांडवों ने एक एक करके अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया और फिर अंत में द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया और हार गए। तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश करा कि जाओ जाके द्रौपदी को लेकर आओ, जाओ जाकर द्रौपदी को लेकर आओ, जैसे ये सब पांडव, पांचों पांडव मेरे सामने मेरे दास बने बैठे हैं, हस्तिनापुर के दास बने बैठे हैं, ऐसे ही मैं द्रौपदी को भी अपनी दासी बनाऊंगा, लेकर आओ जाओ। दुशासन चले गए और दुशासन जब लेकर आया द्रौपदी को, लेकर आता है, सभी लोग सभा में बैठे हुए हैं, 20 सभा में लाकर द्रौपदी को खड़ा कर देता है और दुर्योधन आदेश करता है कि इसको निवस्त्र कर दिया जाए, इसकी इज्जत, इसकी लाज खत्म कर दी जाए, दुशासन शुरू हो जाओ और साड़ी खींचना शुरू कर दो, साड़ी खींचना शुरू कर दो। मैंने अपने टीचर से सुना, काफ़ी सारे कवियों ने भी लिखा है, नानी जी दादी जी से भी बातचीत होती तो बताते थे कि ऐसा कहा जाता है कि जब दुशासन ने खींचना शुरू करा साड़ी को तो दुशासन के हाथ दर्द कर गए थे, दुशासन परेशान हो गया था। क्यों? क्योंकि साड़ी जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आप लोगों के घरों में आप लोग साड़ी पहनते होंगे, स्त्रियां साड़ी पहनती होंगी, आपने देखा होगा साड़ी की लंबाई कितनी होती है ना, ज़रा देर लगता है पहनने में और ज़रा देर लगता है उसको उतारने में, लेकिन द्रौपदी की वो जो साड़ी थी वो लंबी ही हुए जा रही थी। दुशासन खींचे जा रहा था उसको, खींचे जा रहा था, लेकिन द्रौपदी ने, क्योंकि अपने सखा, अपने मित्र, कहते हैं ना मित्र हमेशा परेशानी में जो है आपके साथ खड़ा होता है, अगर एक सच्चा मित्र है, एक अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा हो। तो द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण को याद किया तो श्री कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया कि द्रौपदी का जो साड़ी था, जो चीर था, वो लंबा ही होता चला गया, बड़ा ही होता चला गया, और श्री और दुशासन उसको खींचे जा रहा था और साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वहाँ पर रसकान ने यहाँ लिखा है कि साड़ी बिच्चे नारी है, कि भाई साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बिच्चे साड़ी है, ठीक है, कि नारी बीच में है साड़ी के, कि साड़ी की ही नारी है, या ये कह दूं कि ये जो नारी है ये नारी नहीं एक साड़ी है, कि नारी की ही साड़ी है, या इसी नारी की साड़ी है ना ये द्रौपदी की, जिसे मैं खींचा ही चला जा रहा हूं, खींचा ही चला जा रहा हूं और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समझ में आया आप लोगों को क्या इसका अर्थ है? संदेह हो रहा है किस किस के बीच में? नारी के बीच में, साड़ी के बीच में और स्त्री के बीच में। स्त्री कौन? द्रौपदी, द्रौपदी की साड़ी नारी, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण था, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संदेह अलंकार आज पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग देखिए, कविताओं को पढ़िए, उसमें खोजने की कोशिश करिए। मिलते हैं अगले अलंकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।